नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा, शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। यूपी के कानपुर में 50 साल बाद दिन में पड़ी कड़ाके की ठंड, 3.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा शहर का न्यूनतम तापमान। गंजावला कांड के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी, जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी दिल्ली पुलिस। गंजावला कांड में आरोपियों से पूछताछ में सामने आया खौफनाक सच, दर्द से चीख रही थी कार में फंसी अंजलि, गाड़ी दौड़ाते रहे दरिंदे। गंजावला कांड को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रियंका पर किया पलटवार, बोले कांग्रेस शासित राज्यों में जब अपराध होते हैं तो साध लेती है चुप्पी। अग्निपथ की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया परिवर्तनकारी योजना, बोले युवा दृष्टिकोण के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनेगी इंडियन आर्मी। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने ढाया हत्यारोपी बीजेपी नेता का होटल, 60 डायनामाइट से चंद सेकंड में 4 मंजिला इमारत हुई जमींदोज। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के घर पर भीड़ का हमला, आगजनी और वाहनों में की तोड़फोड़, CPM पर गहराया शक। नशे में धुत शख्स ने बिजनेस क्लास में बैठी महिला पर की पेशाब, न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। चेयरमैन को पत्र लिखने के बाद एयर इंडिया ने दर्ज कराई FIR, आरोपी शख्स की यात्रा पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन के कोच C3 और C6 के शीशे हुए क्षतिग्रस्त। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने किया दावा का, भारत में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दिख रहे लक्षण। 1500 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र, 2020 में लुधियाना की कंपनी के खिलाफ दर्ज किया था मामला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद की बढ़ाएगी सुरक्षा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी ZPress सिक्योरिटी। निवेशकों को इन्वेस्टर समिट का न्योता देने आज मुंबई पहुंचेंगे सीएम योगी, फिल्म निर्माताओं और उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। 7 लाख करोड़ को पार करेगा यूपी का अगला बजट, इन्वेस्टर्स समिट के बाद बुलाया जाएगा सत्र। परिवार के मुखिया की सहमति से बदलवा सकेंगे आधार में पता, UIDAI ने दी ऑनलाइन बदलाव करने की अनुमति। आतंकी गतिविधियां कम होने से जम्मू कश्मीर बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट, 2022 में 22 लाख पर्यटक पहुंचे, 56,000 करोड़ का हुआ निवेश। रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी नहीं जीत पाए स्पीकर का चुनाव, अमेरिकी संसद में 100 साल में पहली बार होगी दोबारा वोटिंग। चीन रूस के खतरे के बीच व्हाइट हाउस ने बताया 2023 का प्लान का, अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा अमेरिका। इंसाकॉग नेटवर्क ने जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा किया अपडेट का, भारत में ओमिक्रॉन और इसके उपस्वरूप अब भी मौजूद। रूस ने माकियोक्का में मारे गए 63 सैनिकों की मौत का लिया बदला, देनेस के में अलग अलग जगहों पर 90 यूक्रेनी सैनिकों को किया ढेर। यूक्रेन पर हमलों के वीडियो को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाएगा रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अफसरों को दिया आदेश। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी भारत जोड़ो यात्रा, अल्पसंख्यकों समेत अन्य वर्गों का मिला भरपूर समर्थन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत, भड़की बीजेपी, बोली कश्मीर संकट बढ़ाने में निभाई थी अहम भूमिका। मुजफ्फरनगर की रैली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का नीतीश पर निशाना, बोले RJD कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर किया जनादेश का अपमान। JP नड्डा ने बिहार में फिर जंगललाल लौटने का किया दावा, बोले पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है राज्य में कानून व्यवस्था। हरियाणा के खेल मंत्री पर महिला कोच ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, संदीप सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए छोड़ा खेल विभाग। विपक्षी दलों के खेल मंत्री का इस्तीफा मांगने पर बोले सीएम खट्टर का, आरोप लगाने से कोई नहीं हो जाता दोषी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। नारायणपुर तोड़फोड़ मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 5 गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के खिलाफ आदिवासियों ने की थी चर्च में तोड़फोड़। यूपी में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह, सीएम योगी ने सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए जारी किए निर्देश। बिहार में आधी सजा काट चुके निश्चित श्रेणी के कैदियों की होगी रिहाई, नीतीश मंत्रिमंडल ने जेल विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी नीतीश की पार्टी JDU, महागठबंधन के सबसे बड़े दल लालू की RJD ने नहीं किया निर्णय। दिगंतरा ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया दूसरा उपग्रह, सूर्य की कक्षा में परीक्षण यंत्र के रूप में काम करेगा पूषण अल्फा। नीतीश पर सुधाकर सिंह के बयान पर तेजस्वी ने जताई नाराजगी, बोले गंभीरता से लेते हुए पार्टी सुप्रीमो के संज्ञान में लाया गया बयान। उत्तरकाशी में मौसम की पहली बर्फबारी होने से किसानों के खिले चेहरे, इस समय बर्फबारी से अच्छी होती है सेब की फसल। 27 जनवरी को छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे PM मोदी, शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर की परीक्षा पे चर्चा 2023 की घोषणा। महाराष्ट्र में 3 बिजली कंपनियों के कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान, निजीकरण के विरोध में आज से 72 घंटे तक कामकाज रखेंगे ठप। हरियाणा में वाहन चोरों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, नूह पुलिस ने कई वाहनों समेत सरगना और 4 को किया गिरफ्तार।
असम सीएम ने जोंगल बलाहू पर्यटन केंद्र की रखी आधारशिला, बोले असम के लोगों के लिए प्रेरणा रहेंगे महान तिवा राजा बलाहू। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा शेरिंग ने किया दावा, बोले भारत तिब्बत सीमा पर चीन ही करता घुसपैठ। अब भारत के पास आया एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व, विनय प्रकाश सिंह APPU के अगले महासचिव का संभालेंगे पदभार। पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति होगी जब्त, पंजाब सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई करने के निर्देश। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल की यात्रा को भीड़ के लिहाज से बताया सफल, बोले भीड़ को वोट में तब्दील करना कांग्रेस के लिए होगी बड़ी चुनौती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारत जोड़ो यात्रा पर की तीखी प्रतिक्रिया, बोले भारत तोड़ने के लिए जिम्मेदार पार्टी की ऐसी यात्रा हास्यास्पद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के काफिले में शामिल वाहन को बस ने मारी टक्कर, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ हादसा, 3 पुलिसकर्मी घायल। संबल के ग्रामीणों ने छुट्टा गोवंशों को गांव के सरकारी स्कूल में किया बंद, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया गौशाला की गलत लिस्ट देने का आरोप। भारत ने T20 में जीत के साथ किया नए साल का आगाज, श्रीलंका को 2 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाया 162 रन, जवाब में 160 रन ही बना पाई श्रीलंका की पूरी टीम। अपने डेब्यू मैच में शिवम मावी ने 4 विकेट लेकर किया कमाल, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने की शानदार बल्लेबाजी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।